आज हम देखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और वोल्टेज। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कैलकुलेशन करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ ही गए कि इलेक्ट्रॉन्स जब मूवमेंट करते हैं तो वो पॉजिटिव आयन से टकराते हैं, टकराने के बाद में उनकी दिशा चेंज होती रहती है, लेकिन उस दिशा को अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते कि वो कितनी स्पीड से दूसरे इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहे हैं। अपन ये देखते हैं कि ओवरऑल वो किसी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से किस वेग से पास हो रहे हैं, उनकी नेट वेलोसिटी क्या है, एक साथ झुंड की जो वेलोसिटी उसको क्या है, उसको बोलते हैं अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि जैसे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है। ये बहुत बड़ी संख्या हो गई लिखने के लिए, है ना, लिखने के हिसाब से तो थोड़ी बड़ी है, तो इसको बार बार नहीं लिख सकते, तो इसको अपन ने ई मान लिया, ठीक है, स्मॉल ई से लिखेंगे इसकी जगह। तो करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर वो आई है। इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल एन है, यूनिट वॉल्यूम में, है ना, यूनिटी वॉल्यूम। चालक तार की लंबाई स्मॉल एन, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। तो कुल आवेश कितना होगा, ठीक है, तो देखो इकाई आयतन में आवेश स्मॉल एन है, टोटल आयतन तो अनुप्रस्थ काट की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और तार की लंबाई को मल्टीप्लाई कर दो ए इंटू एल, तो ये होगा टोटल आयतन ए इंटू एल। इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल एन है तो टोटल कितनी होगी, ए इंटू एल इंटू एन, तो ये तो होगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है ई, तो टोटल आवेश कितना हो जाएगा, तो ए एल इंटू एन को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो ये टोटल आवेश आ गया जिसको बोलते हैं एन ए एल इंटू ई। तो जब आवेश निकल के आ गया तो हमें निकालना है करंट, तो आई इजकस टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। तो आई इजकस टू क्योंकि वैल्यू रख देंगे एन ए एल ई अपॉन टी। तो अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, लेंथ अपॉन टाइम, लंबाई बटे दूरी बटे समय, तो लेंथ अपॉन टाइम। तो टी इजकस टू हो गया एल अपॉन वी डी, तो टी की जगह एल अपॉन वी डी रख दो, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो आई की वैल्यू आएगी एन ए ई वी डी एम्पियर में, ठीक है। करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट अपॉन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए, तो आई में ए से डिवाइड कर दो, तो ए से कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ गई एन ई वी डी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ओके। अब बात करते हैं विभव की, विभव बोले वोल्टेज, वोल्टेज क्या होता है, इट्स अ टाइप ऑफ एनर्जी, ये एक टाइप की एनर्जी है जो एक कूलोम को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थापित करने में खर्च होती है, ठीक है। या अपन डेफिनेशन के रूप में कहें कि यदि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु में, बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, विभव, एक वोल्ट कहलाएगा, ओके। एक कूलोम आवेश को यदि लाने में एक जूल एनर्जी खर्च होती है तो उसको कहते हैं एक वोल्ट। एक कूलोम आवेश को लाने में यदि 5 जूल की एनर्जी खर्च हुई है तो उस वोल्टेज हो जाएगा 5 वोल्ट, ओके। तो ये हुआ विभव। तो वोल्टेज विभव क्या होता है, वर्क डन पर कूलोम, तो वर्क डन अपॉन क्यू। विभवांतर क्या होता है, जैसे विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई बिंदु है ए जिस पर एक चार्ज रखा है क्यू नोट, इस पर चार्ज रखा है क्यू नोट, उस क्यू नोट चार्ज को बी पॉइंट तक लाने में जो ऊर्जा खर्च होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उसको कहते हैं विभवांतर, ए और बी के बीच का विभवांतर। तो देखते हैं यदि विद्युत क्षेत्र में क्यू नोट आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य डब्ल्यू ए बी है, तो वी बी माइनस वी ए बराबर डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नोट वोल्ट। फॉर एग्जाम्पल एक वोल्ट का मतलब होता है एक जूल पर यूनिट कूलोम, एक कूलोम पर यदि एक जूल कार्य किया जाता है तो उसका मतलब है एक वोल्ट, और एक कूलोम को लाने में काम 5 जूल किया जाता है तो उसका मतलब होता है 5 वोल्ट। थैंक यू फ्रेंड्स, आज हमने देखा ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड वोल्टेज।